बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा डो बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा डो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले डालूँगी मैदा। मैदा मैं डाल रही हूँ 3 कप। ये मेरे कप का साइज़ है, ये मैं 3 डाल रही हूँ। ये 3 कप मैदा, ये ईस्ट है, खमीर, ये चम्मच है, ये 2 चम्मच डालूंगी इस चम्मच के बराबर लेवल करके। चीनी भी इतनी ही है, 2 चम्मच के बराबर। नमक टेस्ट के हिसाब से, मैं अंदाजे से टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। ये तेल डालूँगी 4 चम्मच, 4 से 5 भी कर सकते हैं। अब इसको नीम गर्म पानी से, ये नीम गर्म पानी है, इसको इसे गूंद देंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स करके, इसको इस तरीके से गूंदना है। ये वाली जगह जो है हाथ की पिछली साइड, इससे ऐसे दबा दबा के। ये तैयार हो गया डो। ये इसको 15 मिनट के लिए रखूँगी, तो 15 मिनट के बाद थोड़ा सा और इसको गूंदना है, फिर रखूँगी मैं 1 घंटे। मैं इसके ऊपर फूड पेपर चढ़ा रही हूँ 15 मिनट के लिए रखने के लिए, फिर 15 मिनट के बाद इसको दोबारा गूंदेंगे थोड़ा सा। इसको रखे हुए 15 मिनट हो गए, अब थोड़ा सा दोबारा गूंदूँगी इसको, दोबारा उसी बर्तन में डालूंगी। अब इसको दोबारा थोड़ा सा गूंद के, अब ये रेडी है। अब इसको मैं गर्म जगह पे 1 घंटे के लिए रखूँगी, इसके ऊपर फूड पेपर चढ़ा के। किचन चूँकि ज़्यादा गर्म जगह होती है, किचन में ही रखूँगी। ये अच्छे से इसके ऊपर फूड पेपर मैंने चढ़ा दिया, अब मैं इसको किचन में रख दूँगी 1 घंटे के बाद, फिर दोबारा देखेंगे।
ये मैं एक घंटे के बाद तकरीबन ये देखो खोल रही हूँ इसको, और ये देखें कितना नरम फूल गया, और इतना थोड़ा सा था और इतना ज़्यादा हो गया, इतना नरम सा डो हमारा तैयार हो गया। ये है पिज़्ज़ा डो, इसे आप शवारमे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये हमारे पिज़्ज़ा डो की रेसिपी तैयार हो गई, बन गई। आप इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।